Right. So in today's class, basically we are going to see main three topics, which are flow charts, algorithm, and basic syntaxes of C. Now, these three topics are quite theoretical topics, but these are also very important in terms of understanding the essence of C programming. What is flow charts? What is its importance? Then again, what are algorithms? Why algorithms are being used? And there are certain nomenclature, there are certain technical terms which you should understand before diving into the coding of C are to be covered in basic C syntaxes. Okay, so without wasting much of a time, we'll start with flow charts. So as you can see on the screen, flow charts is a graphical representation of an algorithm. Now, this particular line has two terms in it. First, a graphical representation, second, an algorithm. First, if I have to talk about what do you mean by a graphical representation is, we can take an example of maybe say a construction of a building. Whenever we want to construct a building, maybe suppose it can be for example, it can be a building, it can be an office, it can be a home. But before starting the construction, we have a habit of planning the construction on paper, जिसको हम लोग शायद ब्लूप्रिंट बोलते हैं या मैप बोलते हैं, राइट? वी प्लान इट ऑन पेपर दैट ओके दिस विल बी द प्लेस वेयर विल बी मेकिंग आर हॉल और मे बी दिस विल बी द प्लेस वेयर विल बी कीपिंग आर मास्टर बेडरूम देन गेस्ट हाउस हाउ मेनी विंडोज हाउ मेनी डोर्स एंड वेयर फ्रॉम वेयर विल बी द स्टेयरकेसेस. व्हाई डू वी नीड टू प्लान ऑल दिस थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन? Because once we are done with planning it on paper, now we know for sure of where what entity will be, where will be the hall, where will be the kitchen, where will be the guest room, and where will be the master bedroom, and so on and so. We have enough clarity in our head कि मुझे कहाँ से क्या construct करना है और कहाँ पर लेके जाना है, right? Now just imagine if we are not going to plan before construction और हमने construction directly शुरू कर दिया, then what would be the problem in construction? क्या हम लोग construction होने के बाद हमारा अगर mind change होता है तो हम हमारा construction वापस से रोक के we are just deconstructing it again. हम वापस से तोड़ रहे हैं construction, फिर दोबारा बना रहे हैं. Is it a good way of construction? Obviously not. राइट. सो जैसे कंस्ट्रक्शन के केस में हमको पता है दैट वी हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ ब्लूप्रिंट, मेकिंग अ मैप, प्लानिंग इट ऑन पेपर एंड देन डाइविंग इनटू द कंस्ट्रक्शन इज अ बेटर प्रोसेस. सिमिलरली इन सी लैंग्वेज और मे बी इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी माइट और माइट नॉट डाइव डायरेक्टली इनटू कोडिंग. फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्राम्स, हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, मे बी से एडिशन ऑफ टू नंबर्स और मे बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑन सो एंड सो. बट वेन यू आर गोइंग टू कोड फॉर मच बेटर एंड लार्जर प्रोग्राम्स, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग फॉर एनी सॉफ्टवेयर, तब आपको क्या करना पड़ेगा? बिफोर डाइविंग इन टू द कोडिंग यू नीड टू प्लान इट ऑन पेपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेकिंग मेकिंग अ गेम, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिक टैक टो का कोडिंग कर रहे हो, राइट? सो यू नो टिक टैक टो इज अ 9x9 टिक-टैक-टो इज अ 9x9 ग्रिड, राइट? सपोज इफ आई ड्रॉ इट हियर ऑन योर स्क्रीन, सो दिस इज अ 9x9 स्क्रीन. ओके, सो मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट टर्न इज एक्सेस टर्न. सो एक्सेस हैज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? एक्स कैन प्ले हियर, एक्स कैन प्ले हियर, एक्स कैन प्ले हियर, एक्स कैन प्ले हियर, 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 हियर. दैट मीन्स इन द वेरी फर्स्ट टर्न ऑफ एक्स एक्स हैज 9 पॉसिबिलिटीज. डिपेंडिंग अपॉन वॉट एक्स विल प्ले, कौन से पोजिशन पे वो प्ले करेगा, उसके बाद जो ओ की टर्न आएगी, सो ओ विल हैव न्यू 8 पॉसिबिलिटीज, राइट? सो दैट मीन्स यू हैव टू मैंडेटरीली प्लान दैट वॉट एक्स विल प्ले डिपेंडिंग अपॉन वॉट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ओ विल हैव. नेक्स्ट टाइम वॉट पोजिशन ओ विल प्ले, उसके हिसाब से वॉट डिफरेंट 7 पॉसिबिलिटीज एक्स विल हैव. और मुझे ऐसे पोजीशंस को चूज करना है सो दैट एक्स विल विन, द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग एक्स विल बी मिनिमाइज, पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग ओ विल बी मैक्सिमाइज. इस तरीके से हमको गेम प्ले करना होता है. सो ये सारी चीजें जो है, अगर मैं आपको बोलने की कोशिश करूं, सो सपोज इफ यू आर
making a game, suppose as small as tic-tac-toe, we cannot directly dive into the coding. What we'll do, we'll just plan it on paper. That what will happen if user one will play this, what will happen if user two will play this, what will be the possible outcomes, what will be the possible future moves, right? Ye sab mujhe plan karna padta hai. So similarly, to plan this, we have a concept of called as flowchart. Flowchart ke do terms hai, now you'll understand. It has two words in it. One is flow and another is chart. So charts, you'll understand graphical representation, right? So charts, whenever we are making a chart, which will let us the flow of execution of our program. Charts or graphical representation, jisse mujhe mere program ka flow pata chalega ki kahan se main shuru kar raha hu, ek particular point pe jaane ke baad mere paas kaun se options available hai, agar main option 1 choose karta hu to kya hoga, 2 choose karta hu to kya hoga, right? We can have a better clarity on paper, and once we are done with the flow chart, we can directly dive into the coding. For example, if I give you this example, this is not a flow chart for any program in C, but it is a very general flow chart. Flow chart looks like this, but yahan par kya ho raha hai, hum discuss karte hain. In this particular diagram, we can see that we are starting from this position, right, where I am getting dressed. Okay, this is a finite fixed step, that there is a process which just started and which includes the very first step is to get dressed. Then after getting dressed, a question that I'm asking to myself, that do I have money in my wallet? I'm asking myself. Now, ek aisa question maine pucha hai jiske obviously do answers honge. Do I have money in my wallet? Either I'll have my money, either I won't. So suppose if I have my money, so agar is question ka answer milta hai yes, then what am I doing? See, the flow is telling me if you have money, then you have to go to the shop directly. But suppose it might happen, sometimes I might not have money in my wallet, then another option or another possibility from the same question arises is that, okay, now if you don't have money in your wallet, then you have to put money and then you have to go to the shop. The point here is, jab aap koi code karte hain, koi program likhte hain, there might be a possibility ki beech mein ek aisa situation aaye jahan par ek se zyada possibilities hogi. For example, here, when I'm asking myself a question, do you have money in your wallet? Jiske do options hai, yes or no. Depending upon the options, I am taking a decision. Agar money hai, then I'm directly going to the shop. If nahi hai, then I'm adding one more step. That before going to the shop, I must put money in my wallet. And to put my money in the wallet, I can choose whatever I want to. I can borrow money from my parents, or maybe I can run into the nearest ATM. Then I can withdraw the money. Then I can put it money in my wallet. And then I go to the shop. But the point here is, on paper, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, ठीक है? हम on paper समझ रहे हैं कि अगर मुझे shop जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? First, I need to get dressed, and then I need to check whether do I have money in my wallet or not. After successful execution of this particular step, I am going to the shop. उसके बाद क्या हो रहा है? This particular flow chart is being continued here. आप देखोगे. So यहाँ पर क्या है? Once I am into the shop, I am asking, is brand of pen available? Is the favorite brand of my pen, jo mujhe pasand hai, wo available hai ya nahi? If yes, then what am I doing? I'm taking the pen, I'm buying the pen, I'm making the payment, and I'm ending the process of purchasing. This is very simple. Okay, this is a step-by-step best way possible. But zaruri nahi hai ki jo cheez aap karne ja rahe ho market mein wo available ho. At times, jab aap pooch rahe ho ki is my favorite brand of pen available in the shop, it might happen the answer would be no. Wo bol sakta hai ki nahi hai. So in that case, What I can do, I can ask ki koi dusra pen available hai kya? Agar hai, to I'll take that another pen, then I'll make the payment and I'll end the process. Or at times, agar dusra pen bhi available nahi hai, so what option do I have left with? The only option I have left with is to end the process. Ye humne abhi tak kiya nahi hai, hum just soch ke ja rahe hain dimag mein. Ki agar mujhe pen market mein lene jana hoga, then I need to get dressed up, I need to check for the money. Then once I have the money, I'm going to the shop, then I'll check for my favorite brand of pen. If it is available, then I'll take the pen, I'll make the payment, I'll come back home. If it is not available, then I'll ask for another pen. If that's available, then I'll take the pen and I'll make the payment and come back home. If that is also not available, I'll be back home. Ye humne dimag mein rakha hai, uske baad chale. This is as simple as jo human logical thinking hoti hai. Now, jab hum log kisi bhi program ki baat kar rahe hain ya kisi bhi C program ki baat kar rahe hain jo humko code karni hai in C language, every C program must make sense in a logical
स्टेप्स. सो लॉजिकल स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, उसको बोला जाता है अल्गोरिदम. सो एनी अल्गोरिदम, उसको मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंट अगर करना है, सो इट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट. अ चार्ट विच टेल्स द फ्लो ऑफ आर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन. ओके, फॉर नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट मेक्स यूज ऑफ सिंबॉल्स विच आर कनेक्टेड अमंग टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग. मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको समझ में आया होगा दैट वी हैव यूज्ड सेवरल सिंबल्स. वी हैव यूज्ड सेवरल, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी देर आर सर्टन सर्कल्स आर देयर, डायमंड शेप्स आर देयर, एरोज आर देयर, एरोज विच आर पॉइंटेड, विच इज पॉइंटिंग टू अ डिरेक्शन टेलिंग मी द फ्लो दैट ओके दिस पर्टिकुलर डिरेक्शन इज टेलिंग मी दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस सिम्बॉल टू दिस सिम्बॉल, राइट. दिस इज एन ओवल सिम्बॉल विच इज डिफरेंट, दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, दिस इज अ डायमंड शेप. सो फ्लो चार्ट जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो फ्लो चार्ट हैव डिफरेंट सिम्बॉल्स एंड डिफरेंट सिम्बॉल्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड दे आर कनेक्टेड अमंग देम टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस, जो पिछले एग्जाम्पल में आपने सारे शेप्स देखे हैं, ईच एंड एवरी शेप हैज इट्स ओन मीनिंग. दैट मीन्स यहां पर जो मैंने ओवल शेप जो यूज किया है, ये ऐसे ही यूज नहीं किया, इट हैज अ मीनिंग. वेन एवर आई वॉन्ट टू इंडिकेट अ स्टार्ट और वेन एवर आई वॉन्ट टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, आई हैव टू यूज एन ओवल शेप सिम्बॉल, राइट. वेन एवर आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू सिम्बॉल्स, आई हैव टू मैंडेटरीली यूज एन एरो. वेन एवर आई हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, एज यू कैन सी हियर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, डू आई हैव मनी इन माई वॉलेट, और आई एम आस्किंग इज माई अवेलेबल, इज द brand of pen available, is I'm asking is any other pen available, then I'm whenever I'm asking a question, this is a symbol that I have to use. This symbol is like diamond shape, right. So in the next slide we'll talk about different flowchart symbols. Okay, the very first flowchart symbol which you can see on the slide is terminal, और उसको और भी बोला जाता है स्टार्ट और स्टॉप, बिकॉज एज जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड, दिस इज अ पर्टिकुलर सिंबल विच आइडेंटिफाइज द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट को अगर मुझे शुरू करना है तो भी आई विल यूज दिस, अगर मुझे फ्लो चार्ट को खत्म करना है तो भी आई विल यूज दिस. सो फॉर स्टार्टिंग और एंडिंग एनी फ्लो चार्ट आई विल बी यूजिंग एन ओवल शेप. व्हाट द डिस्क्रिप्शन सेज, टर्मिनल्स. इसको टर्मिनल्स इसीलिए बोला जा रहा है बिकॉज दीज आर द टर्मिनल्स, द एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. ओके, सो टर्मिनल्स और ओवल शेप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्लो चार्ट. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इज फ्लो लाइन्स और एरो. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो लाइन्स? फ्लो लाइन्स आर बेसिकली आर पॉइंटेड एरोस. फ्लो चार्ट, फ्लो लाइन्स एंड एरोस आर पॉइंटेड एरोस, एन एरो विद अ डायरेक्शन. So flow lines are used to connect symbols used in flow chart, but it also indicate the direction of flow. We get an idea, right? For in this example, we know that suppose if I'm at this particular point and the answer to my question is yes, the only direction I have to travel is from this to this to this, because this arrow has a direction. कि मुझे इस direction में जाना है, right? So this flow lines or arrow not only connect two flow chart symbols, but it also indicates the direction of flow of information from this symbol to that symbol. Next one is input and output. Whenever we are talking about or we are reading the input data or we are displaying some output information, जब कभी भी हम कोई input or output related function या process करने वाले हैं, तब हमको use करना होगा parallelogram. Now you can see it is a parallelogram. So, हम लोग जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, हर एक प्रोग्राम का हम लोग ट्राई करेंगे कि वी कैन ट्राई टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर देम. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस, द करेक्ट फ्लो चार्ट सिंबल इज अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम आर यूज्ड टू रीड इनपुट डेटा एंड टू आउटपुट द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन. आई गेस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई प्रोग्राम इज एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स, सो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें दो इंटीजर नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, सो व्हाट विल बी द इनपुट टू दैट प्रोग्राम? द टू इंटीजर नंबर्स, द इनपुट नंबर्स दैट आई एम टेकिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. कि अगर यूजर ने, सपोज यूजर हैज इनपुटेड नंबर 10 फ्रॉम द कीबोर्ड एंड यूजर हैज इनपुटेड नंबर 20 फ्रॉम द कीबोर्ड, सो दिस 10 एंड 20 आर द टू नंबर्स इनपुटेड टू द प्रोग्राम. सो ये हो गया इनपुट प्रोसेस.
And when I'm taking the addition of these two numbers, like 10 plus 20, the output is 30. So the total is 30, and I want to display 30 to the screen. So that becomes the output information, that I'm outputting that information, I'm printing that output information. So whenever I'm taking the input, I will use parallelogram. And whenever I'm displaying the output, I will be taking again a parallelogram in my flowchart symbol. Right. Next, the fourth one is process, where we are using rectangles. Now, what does process or rectangles represent? It represents process. For example, any arithmetic operation, data movement, jo hote hain, wo hum log process se define karenge. At times, when we are initializing any variable, for example, we are taking value of a equals to 10. So that's a process. When I'm initializing b as 30, that's a process. When I'm taking a constant variable, for example, pi equals to 3.14, that's a process. So whenever we are taking any arithmetic operation or data movement process, jab kabhi bhi ho rahi hai, we have to use rectangle as a flowchart symbol. Number five is decision box. Decision box is, thode der pehle hi hum logo ne dekha hai, decision box is actually a diamond shape. And diamond shapes are generally used to check any condition or take decision for which there are two answers. अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो आंसर्स है, बट जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, इट माइट हैपन देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच माइट हैव मोर देन टू आंसर्स. फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है एवरी क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग ड्यूरिंग अ प्रोग्रामिंग विल हैव अ यस और नो आंसर. कभी कभी आपको तीन चार पांच आंसर्स भी होते हैं. सो जैसे जैसे प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यू विल अंडरस्टैंड हाउ अ सिंपल क्वेश्चन कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल आंसर्स टू इट, एंड यू हैव टू कोड फॉर एवरी ऑप्शन. अगर उस क्वेश्चन का आंसर यस है तो आपको उसका भी कोड लिखना है प्रॉपर. इफ द सेम क्वेश्चन हैज एन आंसर नो, देन यू हैव टू कोड प्रॉपरली फॉर दैट नो आंसर एज वेल. इफ दैट सेम क्वेश्चन हैज अ थर्ड ऑप्शन एज वेल, थर्ड ऑप्शन इज एन आंसर, देन यू हैव टू कोड फॉर दैट एज वेल. सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन अ प्रोग्रामिंग, यू हैव टू यूज अ डिसीजन बॉक्स, एंड दैट डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप. एंड द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोचार्ट सिंबल इज अ सर्कल, which is called as a connector. Now you'll understand what will my connector here. Basically, this is a single flowchart on your screen, which you can see. But for some reason, the single flowchart is not accommodating in a single slide. Ek ke niche ek nahi aa raha tha. So what I have decided, I have to break the flowchart into two parts. So now you can understand that after the process of go to shop, yahan se maine mera flowchart ko break kiya hai. And after this particular point, this is the point where my actual flowchart resumes. So, ye dono point ko connect karne ke liye humne use kiya hai circle symbol, and the name suggests, name kya hai circle ka? Connector. So, basically connector is, flowchart symbol is circle. It is called as connector because it connects two part of flowchart. Ye is particular part ko, is particular part se join kar raha hai, isliye isko connector bola jata hai. And generally we use a digit in between the connector, because ho sakta hai ek flowchart ko maine do teen parts mein divide kiya hai, to kaun sa part kaun se part ko join kar raha hai wo identify karne ke liye we have to look for matching connector, as in two connectors with same numbers will resume, will connect. So mujhe pata hai ki number 1 naam ka connector ye hai, so number 1 naam ka connector ye hai, iska matlab ye particular jo mera flowchart hai, this will actually is going to join from this point to this point. Okay, so this is all about your flowchart symbol. So what have we actually seen, what have we actually discussed about flowchart? Flowcharts are basically a graphical representation of an algorithm. Kya hai hum abhi dekhne wale next step mein, but algorithm is basically a step by step procedure of your program, right? Usko graphically pictorial representation अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, so that are called as flowcharts. And flowcharts के नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि it has two words in it. One is flow, another is chart. So I can also understand that flowcharts are charts which identifies or describes or depicts flow of information in a program. So flowcharts is a pictorial representation of an algorithm or graphical representation of an algorithm, which is a step-by-step procedure of execution of any C program. And it uses different type of symbols which are connected among themselves, and basically it indicates the flow of information and processing from one point to another point, or maybe I can say from start to end. This is an example of flowchart which we have just now discussed.
which identifies a start of a flowchart, and eventually we'll have an end of a flowchart. And in between, there are so many processes, so many questions to be asked. Different question will have different options as yes and no. So different possibilities are being coded with the help of different flowchart symbols. And different flowchart symbols are being connected with the help of arrow lines. Last slide indicates different flowchart symbols. There are basically six main flowchart symbols. One is terminal, which is a start or stop symbol, which is also identified as an oval shape, which identifies the start and stop of the flowchart. Second symbol is flow lines or arrow, which are pointed arrows. So these arrows not only connect two or more flowchart symbols, but it also identifies the flow of direction from point A to point B. Number three is input-output symbol, which is described or which is represented by a parallelogram. And parallelograms are basically are used to read input data and output data, which we are going to display on screen. Number four are process, which are represented by rectangles. And these are generally, which is used to represent process, for example, arithmetic operations, data movement, etc. Number five is decision, which is described or represented by a diamond shape. And diamond shapes are generally are used to check any condition or any to ask any questions which might have an answer as yes or no, or maybe more than two or answers are also there. And number six, last but not the least, are connectors, which are represented by circle, which is used to join two different part of flowcharts, which identifies or which resumes the flow of flowchart. Okay. This is a flowchart for hello.c. For example, हमने ये बहुत बार देखा है, पिछले दो तीन क्लासेस में हमने ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने सिंपल लाइन लिखी है printf hello world slash n. So, अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फ्लोचार्ट ड्रॉ करना है तो कैसे होगा? So obviously in this particular program, what am I doing? I'm doing only printing a single line. So before printing a single line of hello world, what am I supposed to do? I need to start the program, I need to print the line, and then I need to end my program. So it's a very simple flowchart that first we have used that kind of an oval shape, which identifies the start of my flowchart. Then after starting my program, then I have to print a line. When I'm printing, that I'm talking about outputting a string. तो हमने अभी पढ़ा था इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम होता है. सो व्हेनेवर आई एम आउटपुटिंग और डिस्प्लेइंग एनी कंटेंट ऑन स्क्रीन, आई हैव टू यूज अ पैरेललोग्राम. सो इनसाइड द पैरेललोग्राम वी हैव रिटन आउटपुट हेलो वर्ल्ड, आप लिख सकते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आप लिख सकते हो डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, राइट? बट इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम. एंड लास्ट वन इज एंड, बिकॉज हमारे प्रोग्राम में एक ही लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन था दैट हेलो वर्ल्ड, के बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो रहा था. सो ऑब्वियसली आफ्टर अ पैरेललोग्राम आई हैव टू एंड माई प्रोग्राम विद अनदर ओवल शेप having end or stop written inside that symbol. और आप देख रहे होंगे कि all the three symbols are connected with arrow lines or flow lines which are pointed in a certain direction that I'm starting from start and I'm going to the output hello world of a parallelogram shape, and then from parallelogram shape I'm going to end my algorithm or I'm going to end my program. This is the flowchart for hello.c, the simplest program of C programming. I guess nobody has any doubt regarding this. If anybody has any queries regarding flowcharts, okay. I guess there are no queries coming in. That means shayad koi query na ho. We'll quickly move to the next topic, which are algorithms. So, बहुत बार हमने algorithms को भी understand किया है. What do you mean by algorithms? So, it's a step-by-step procedure. If you remember, I have given you an example of asking for direction in the day-to-day life or in real life situation. For example, I am going to a new city and I am supposed lost. I am not getting the address which I eventually want to reach. So what do? I just ask the stranger and ask for an address. So the stranger is giving me a step-by-step instruction that, okay, if you have to reach so-and-so building, you have to go straight, then you have to take a left, then you have to take a right, and then on the right hand side you'll get your desired building, jahan pe aapko pahunchna hai, your address will be on the right hand side. So the address which I got from the stranger has a step by step procedure. It has an order to it, that the very first thing I need to do is I need to walk so and so distance straight, then after completion of this first step I have to take a left. Then after taking left, I have to go right, and then only after going to the right hand side, I can see
आफ्टर गोइंग राइट मुझे दिखेगा कि राइट हैंड साइड में मेरी बिल्डिंग मुझे मिल गई है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिरेक्शन आई माइट नॉट बी एबल टू रीच माई डिजायर्ड बिल्डिंग. बिकॉज अगर मैं सपोज मेरा फर्स्ट स्टेप था दैट आई हैव टू टेक सो एंड सो डिस्टेंस स्टेट, अगर मैं वो नहीं जा रहा हूँ, मैंने पहले ही लेफ्ट टर्न ले लिया, ऑब्वियसली आई विल बी लॉस्ट. सो दैट मीन्स स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज द ऑर्डर इन विच द स्टेप्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. सो सिमिलरली अल्गोरिदम्स जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग के वह वही है. सो डे टू डे लाइफ में आपने किसी से डिरेक्शन पूछा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मे बी यू आर कुकिंग सम dish in the kitchen, it has a step-by-step procedure which needs to be followed in the same direction only. कि पहले step पहला ही होना चाहिए और उसके बाद second step होना चाहिए, then only you can be able to make a perfect dish. अगर आप dish का sequence भी ऊपर नीचे कर देते हो, you might not be able to get the desired output or desired dish at the end of your day. Similarly, now coming back to C programming, what do you mean by algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output. We just now discussed this. Ki ek program, humko pata hai that C program is a linear program. It is a sequential program that it gets executed in a sequential manner. The first line will get executed first. Then after successful execution of first line, the second line will get executed, and then third, then fourth, and fifth, and so on. So algorithm tells me that what will be the first step, what will be the second step. It is a step-by-step procedure, and in which order it needs to be executed, it is being identified or it is being represented by algorithms. For example, थोड़े देर पहले हमने फ्लो चार्ट देखा था हेलो वर्ल्ड का. So similarly, if I have to write an algorithm of hello world, then it will look like this. So there are only three steps in that particular program. That first step is I'm starting my program. Second, I'm printing the hello world, and then I'm stopping the program. So as you can see, the three steps are very distinctively identified and described. In pehle step mein, I'm starting the program. Then unless and until I start the program, I won't print the hello world. Isliye pehla step execute hona important hai. Once I'm done with step one, I'll be moving into the step two that I'm talking about, printing hello world, which I'll print using printf, right? And then once I'm done printing hello world, obviously I need to stop my program. So this is an algorithm example. Another example of algorithm, agar mujhe samajhna hai, so I have written a very simple, small algorithm example. The problem here is that we have to design an algorithm to add two numbers and display the result. Ye bahut baar hum logon ne discuss kiya hai. That whenever we want to add two integer numbers and want to display the result or total of it, what would be the process? So the step by step, now I understand there are seven steps in this, starting with step number one, that I have to start the program. Then once I start the program, the very next thing is I need to declare the three integers. Jab tak main teen integers declare nahi karunga, main kaun value store kahan karunga, right? So first I am declaring the three integers, and obviously why do I need three integers? Because integer A will have number 1, integer B will have number 2, and integer C will have the total of A and B, right? So in step number 2, I'm declaring the three integers as A, B, and C. Once I'm done declaring the three integers, now I want the values of A and B. So in step number 3, I'm defining the values of A and B. Now defining the value of A and B can be ki hum program mein likh rahe hain A equals to 10 and B equals to 20, or I'm asking the user to insert the value of A and B. Once I get the value of A and B, the only thing remaining is to make a addition of A and B. So number 4 step is add values of A and B. So how do we add values of A and B? A plus B. But once I am doing A plus B, mujhe kya karna hai? Is total ko mujhe store karna hai in third variable, which is C. So in number 5, once I am done total in step number 4, in step number 5, I am storing the output of step number 4 to step C. Store the output of step 4 to C. इसका मतलब a प्लस b करके जो भी आउटपुट आया है दैट आई एम स्टोरिंग इन वेरिएबल c. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप 6 व्हिच इज प्रिंट c. वंस आई एम डन विद कैलकुलेशन ऑफ a प्लस b जो मुझे c में स्टोर भी हो चुका है, बस मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, सो आई एम प्रिंटिंग द आउटपुट. एंड देन वंस आई एम डन प्रिंटिंग द डिस्प्लेइंग द आउटपुट, मुझे मेरा प्रोग्राम स्टॉप करना है. सो दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस. अब मुझे बताइए, वंस वी नो दिस लॉजिकल सीक्वेंस बिफोर हैंड, मैंने पहले ही ऑन पेपर डिजाइन कर लिया है एल्गोरिथम, मैंने पहले डिजाइन कर लिया है फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द कोड, सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि मुझे मेरा प्रोग्राम कैसे लिखना है. सो क्या करूंगा मैं स्टार्ट करने के लिए, ऑब्वियसली नाउ आई नो कि मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड करके लिखूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h एंड conio.h.
देन डिक्लेयर इन थ्री इंटीजर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट माई वॉइड मेन, वॉइड मेन के बाद में आई डिक्लेयर माई इंटीजर्स, देन आई डिफाइन द वैल्यूज, मैं शायद स्कैनफ करके ले लू, देन आई एड द वैल्यूज, दैट मीन्स आई डू ए प्लस बी, राइट, देन मुझे इसको स्टोर करना है सी में, तो आई राइट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन मुझे प्रिंट करना है, तो अगेन आई विल प्रिंट एफ द वैल्यू सी एंड आई विल स्टॉप विथ कर्ली ब्रैकेट. सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड, जस्ट बेयर विथ माई डिजिटल हैंड राइटिंग बिकॉज आई डोंट हैव अ राइटिंग पैड, इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट माई पॉइंट हियर इज कि वंस आई हैव अ क्लैरिटी इन माई हेड हाउ माई प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, हाउ माई प्रोग्राम विल बिहेव, उसको मैंने डिजाइन कर लिया है यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. सो वेन आई स्टार्ट इवेंचुअली राइटिंग द कोड, इट विल बी वेरी इजियर फॉर मी टू राइट कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, कौन सा सिंटैक्स लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, कितना क्रिस्प होना चाहिए, आई गेट ऑल आइडियाज क्लियर इन माई हेड. इसीलिए फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग. यहां तक क्लियर है? डज एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर. ओके सो आई गेस नो सर. ओके ओके